हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एंटी इन्फेक्टिव एजेंट क्या होते हैं और ये एजेंट आपके किस में है। डी फार्म फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए केमिस्ट्री में है चैप्टर नंबर 11 और उसका पहला पार्ट है। हम डिस्कस करेंगे एंटी फंगल। तो एंटी फंगल एजेंट क्या होते हैं? एंटी फंगल एजेंट वो होते हैं जो फंगस को ट्रीट करते हैं, फंगस की प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, उनको बोलते हैं एंटी फंगल एजेंट। फंगस आपके दो प्रकार के होते हैं, यीस्ट और मोल्ड। तो यीस्ट कौन सी होगी? सिंगल राउंड सेल होगी। और मोल्ड कौन सी होगी? जो मैनी सेल से मिलकर बनी होगी, उसको बोलते हैं क्या? मोल्ड। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन इसका काफ़ी टाइम बांटा गया है, जैसे एंटीबायोटिक हो गया, एजोल्स हो गए और एल्के अमीन हो गए, अदर टॉपिकल एजेंट हो गए। तो एंटीबायोटिक्स को फिर अदर उसमें बांट दिया गया, पॉलीवीन्स, हाइड्रोसाइक्लिन्स हाइड्रो और बेंजोफ्यूरॉन, ये इसकी ड्रग दे दी गई, ग्रेसिफोलेविन, बेंजो, फिर इसकी, फिर एजोल की ये क्लासिफिकेशन दिया गया, ट्राई एजोल। ये सिस्टमिक कौन सा होगा? फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल और इमिडाजोल में टॉपिकल दिया गया है, क्लोट्रिमाजोल, मीकोनाजोल, इकोनाजोल, ये सब कैसा लगाया जाएगा? टॉपिकली यूज़ किया जाएगा स्किन के लिए। अब बात करते हैं एम्फोटेरिसिन बी और नियोमाइसिन बी, ये कौन से हैं आपके? ये आपका आप ये क्या थे आपके? ये एंटीबायोटिक के टाइप थे। एल्केलामाइन में क्या है? टर्विनाफाइन। और अदर के अंदर ये सारे दिए गए, बेंजो। अब हम डिस्कस करते हैं जो एम्फोटेरिसिन बी थी, एंटीबायोटिक की आपकी ड्रग थी, उसको हम देखते हैं उसके बारे में क्या है। देखो, एम्फोटेरिसिन बी शोज ए हाई ऑर्डर इन विट्रो इनविट्री एक्टिवेटेड एक्टिविटी अगेंस्ट द मैनी स्पीसीज ऑफ फंगई। जो फंगई की मैनी स्पीसीज होती हैं, जैसे हिस्टोप्लाज्मा, कैप्सिसेल्टम, कॉकिकिज्म, इंटरमीडस और कैनेडा स्पेसीज, इनके अगेंस्ट ये काम करती है। कौन सी? एम्फोटेरिसिन बी ड्रग। यूज़ देखो, इसका यूज़ कहाँ है? इट इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग मैनी सीरियस फंगल इन्फेक्शन। दूसरा, इट इज़ यूज फॉर सीवियर माइकोटिक इन्फेक्शन सच एज कैंडाइडस, ब्लास्टोमाइटोसिस और एस्परग्लाइटोसिस, इनमें भी इसका यूज़ है। नेक्स्ट, इट इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग म्यूकोकटेनियस एंड द कोटेनियस, इसमें इसका यूज़ है। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर सप्रेसिंग ओरल और इंटेस्टाइनल कैंडियाइडिस। ये सब इतने डीप इन्होंने दे दिए, तो इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो, एक ही लाइन में काफ़ी मिक्स कर देते हैं इन पॉइंट को, आप अलग अलग बना के लिख सकते हैं इसको। बात करते हैं स्टेबिलिटी की। तो जो एम्फोटेरिसिन बी है, इसको आप स्टोर करते हैं रिफ्रिजरेटर के अंदर। अगर आप इसको जब क्लोज करके दोबारा रख स्टोर करेंगे तो आप 24 आवर्स तक इसको रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पर। कब? जब आप इसको यूज़ कर चुके होंगे और थोड़ा बहुत बचा होगा सॉल्यूशन फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में, उसको आप दोबारा स्टोर कर रहे हैं। तो फिर अगर आप इसको रिफ्रिजरेटर के अंदर रख देंगे तो ये एक वीक तक चलेगा, बस एक वीक, 7 दिन के अंदर तक। टाइप ऑफ फॉर्मूलेशन इंजेक्शन फॉर्म में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी ब्रांड नेम की। तो कोई भी दो ब्रांड नेम आप इसके नोट कर लेना जो आपको ईजी लगे। नेक्स्ट ड्रग आती है आपकी ग्रेसिफोलेविन। ये आपके अनदर टाइप ऑफ एंटी फंगल ड्रग है। इसका इस्तेमाल कहाँ है? ट्रीटिंग इन्फेक्शन रिलेटेड टू द स्किन, नेल्स, स्केपल्स, फीट एंड ग्रोन्स एंड अदर बॉडी पार्ट, वहाँ पे जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए आप ग्रेसिफोलेविन ड्रग का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में, ग्रेसिफोलेविन के बारे में। यूज़ की बात करते हैं, तो जैसे स्किन है, हेयर है, नेल्स है, इसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, वहाँ इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए। बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी कंडीशन की। तो स्टेबिलिटी कंडीशन, इसको रूम टेम्परेचर पर आपको स्टोर करके रखना है, अवे फ्रॉम द कीप अवे फ्रॉम द लाइट एंड द मॉइस्चर, और बाथरूम में इसको स्टोर नहीं करना है आपको। स्टोरेज कंडीशन हो गया, चिल्ड्रन और पेट से भी इसको दूर रखना है ड्रग को। किसको? ग्रेसिफोलेविन ड्रग को। मार्केट में किस फॉर्म में आ रही है? टैबलेट फॉर्म में, सस्पेंशन फॉर्म में। ब्रांड नेम जो आपको इजी लगे, कोई दो आप याद कर लेना। नेक्स्ट करते हैं मीकोनाजोल। ये अनदर टाइप ऑफ आपका एंटी फंगल ड्रग है। मीकोनाजोल इज द इमिडाजोल एंटी फंगल एजेंट दैट यूज फॉर द टॉपिकली एंड द इंट्रावेनसली इन्फ्यूज़न और टॉपिकली यूज़ किया जा रहा है। कौन? मीकोनाजोल। यूज़ की बात करते हैं, मीकोनाजोल टॉपिकली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टीनिया, पीड्स, एथलीट फुट्स और टीनिया क्यूरोसिस, टीनिया कॉर्पोसिस कॉज्ड बाय द ट्राइकोफाइटोनन रूरिब। ये आपका क्या है? अनदर टाइप ऑफ फंगस इन्फेक्शन के कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज के द्वारा क्या हो रहा है? ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है, टीनिया क्यूरोसिस,
एक्टिनिया कॉर्पसेस, ये प्रॉब्लम है आपकी और ये इसके द्वारा अराइज हो रही हैं कॉज्ड बाई। ठीक, नेक्स्ट आता है इट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट इन द कुटेनियस कैनिडाइटिस एंड द टीनिया वर्सिकुलर्स। स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर पर आपको स्टोर करना है 20 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस पे। बात करते हैं इसके टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की, तो मार्केट में किस फॉर्म में आएगा ये आपका, टिंचर फॉर्म में, स्प्रे फॉर्म में, इफेक्टिव इफर्वेशन टैबलेट के फॉर्म में और जेलीज पाउडर काफ़ी सारी फॉर्म में मार्केट में प्रेजेंट है। कौन? मीकोनाजोल। कोई भी आप तीन चार इसमें से ब्रांड नेम याद कर लेना, लिखे हुए हैं काफ़ी हैं जो आपको इजी लगे इसमें से वो वाले। बात करते हैं कीटोकोनाजोल, सबसे फेमस ड्रग है कीटोकोनाजोल। मार्केट में आपका इस टाइप का स्ट्रिप आता है कीटोकोनाजोल टैबलेट का, ये कीटोकोनाजोल है आपका और ये आपका टर्बिनाफाइन है, आगे इसको पढ़ेंगे अभी हम टर्बिनाफाइन को, इस टाइप का टैबलेट है और ये आपका क्या है इट्राकोनाजोल, इट्राकोनाजोल ये कैप्सूल है हमारे पास। ये सब क्या है आपके टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट ड्रग हैं। कीटोकोनाजोल काफ़ी हाईली पोटेंसिव एक्टिव होता है अगेंस्ट द फंगस इन्फेक्शन। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे आप, वेंजिनिंग दो, एक वेंजिनिंग यहाँ, फाइव मेम्बर ड्रिंक, फिर यहाँ वेंजिनिंग, फिर यहाँ वेंजिनिंग, नाइट्रोजन लगाने के बाद ऑक्सीजन और ये बीच में आप ध्यान देना स्ट्रक्चर के लिए वही है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको पैटर्न नॉलेज देगा। फिर आपको यूजेस पढ़ लेना है इसका पूरा, जैसे ओरल थ्रश हो गया, कैंड्यूरा हो गया और कैंडिडाइटिस हो गया, हिस्टोप्लाज्मोसिस हो गया, इन सारे फंगल इन्फेक्शन में कीटोकोनाजोल का यूज़ किया जाता है। ठीक, ये लिखे हैं, टिक लगा दिया है मैंने। बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी कंडीशन की, स्टेबल इसको कहाँ रखना है, स्टेबल कहाँ होगा। देखो टॉपिकल क्रीम शुड बी स्टोर्ड एट द रूम टेम्परेचर लेस देन द 25 डिग्री सेल्सियस एंड शुड नॉट बी फ्रोजन। इसको फ्रीज में नहीं रखना और 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर ही इसको रखना है। मतलब इसकी जो क्रीम है उसको आप ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर नहीं रख सकते। फॉर्मुलेशन क्या करते हैं, शैम्पू फॉर्म्स जेल क्रीम और टैबलेट फॉर्म में भी आता है, इन्होंने लिखा नहीं है तो टैबलेट फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है कीटोकोनाजोल। ब्रांड नेम जो आपको ईजी लगे वो आप कर लेना, एक दो याद जो भी ईजिली कर लेना। नेक्स्ट आते हैं इट्राकोनाजोल पे, तो इट यहाँ से लिखना है, इट हैज़ बीन यूज्ड अगेंस्ट द हिस्टोप्लाज्मोसिस, ब्लास्टोप्लाज्मोसिस और क्रिप्टोकोकल मेनिनजाइटिस एंड द एस्परगिलोसिस। ये सब क्या है आपके टाइप ऑफ अनोदर फंगल इन्फेक्शन है, कमेंट कर देना तो मैं इसको भी डिस्क्राइब कर दूंगा ये क्या होता है, ये क्या होता है वन बाई वन। वैसे आप इजी वे में ये समझ लो टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन है। बात करते हैं इसके यूजेस की, इट्राकोनाजोल के यूज़ की, तो इट्राकोनाजोल ट्रीटमेंट फॉर द वाइड रेंज ऑफ फंगल इन्फेक्शन लाइक पल्मोनरी एंड द एक्सोपल्मोनरी ब्लास्टोमाइसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस और इसमें इसका यूज़ किया जा रहा है इट्राकोनाजोल का। स्टेबिलिटी वही, रूम टेम्परेचर पर आप इसको स्टोर करेंगे, अवे फ्रॉम द लाइट मॉइस्चर दूर रखेंगे इसको, फ्रीज नहीं करेंगे आप इसको। ठीक, कैप्सूल सॉल्यूशन फॉर्म में आता है इट्राकोनाजोल, जो ब्रांड नेम आपको ईजी लगे वो आप देख लेना, तीन दिए हैं इन लोगों ने। अब नेक्स्ट ड्रग आती है आपके फ्लूकोनाजोल, ये भी काफ़ी फेमस ड्रग है, मार्केट में आती है काफ़ी ज़्यादा। ये आपकी अनदर टाइप ऑफ ट्राईएजोल ड्रग है, क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा था तो उसमें ट्राईएजोल के अंदर कौन सी ड्रग थी, फ्लूकोनाजोल आपकी नेक्स्ट अनदर टाइप की ड्रग थी। इसका स्ट्रक्चर काफ़ी ईजी है, देखो इसका स्ट्रक्चर, फाइव मेम्बर ड्रिंक बनानी है, यहाँ पर CH2 लगाना है कार्बन, फिर CH2 ऊपर OH लगाना है, नीचे एक बेंजीन लगाने के बाद और दोनों तरफ आपको क्या लगाना है, फ्यूरोन लगा देना है, F लगा देना है, फ्लोराइड फ्यूरोन नहीं है, FF। यहाँ पे क्या, 5 मेम्बर ड्रिंक पर फिर 3 नाइट्रोजन लगा देना है आपको। ये सिंपल स्ट्रक्चर इसका फ्लूकोनाजोल का, ये भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आप रोज़ की रोज़ बनाया करो, प्रैक्टिस किया करो और उनके यूजेस भी आप रोज़ की रोज़ देखा करो। ठीक है, यूजेस वही हैं आपके सेम, जैसे जो इंक्लूडिंग कैंडिडाइटिस हो गया था और कैंडिडाइटिस टीनिया था, टीनिया क्रोसिस था, इस सारे में इनका यूज़ किया था, इन सब में। स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो जो ओरल सस्पेंशन है वो स्टेबल रहेगा, अम्बर्ड कलर बॉटल के अंदर इसको हम पैक करेंगे और जो ओरल सीरेंज के लिए आप यूज़ कर रहे हो तो 70 डेज वेन द स्टोर्ड 22 मतलब 22 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस पर आप इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है,
कैप्सूल और ओरल सस्पेंशन फॉर्म में आ रहा है, ब्रांड नेम की बात करते हैं तो ये इसका ब्रांड नेम है। और लास्ट जगह आपकी ये आती है नेफ्टीफाइन हाइड्रोक्लोराइड। सिंपल में यूजेज इनके सब में कॉमन ही हैं, आपको ज़्यादा कुछ वो नहीं करनी, अगर आप एक दो यूज याद कर लेते हैं तो इनके वो आपका हो जाएगा काम। इसमें पूरा आपको याद करना है यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट आता है इसके यूजेस की, यूज होगा इसके नेफ्टीफाइन इज यूज फॉर टॉपिकली फॉर द ट्रीटिंग टीनिया पेडिस, टीनिया क्रोसिस, टीनिया कॉर्पोसिस कॉज्ड बाय द ट्राइकोफाइटन रूबेर, मतलब वही सेम है आपका, स्पेसीज दे दी गई इन लोगों ने, इनका ही यूज़ है इसके अंदर। स्टेबिलिटी एंड द स्टोरेज कंडीशन, वही है क्लोज कंटेनर के अंदर आपको रखना है, रूम टेम्परेचर पे इसको रखना है, हीट और लाइट मॉइस्चर डायरेक्ट लाइट से दूर रखना है, फ्रीज नहीं करना है इसको, आउट ऑफ चिल्ड्रन की पहुंच से दूर रखना है, मतलब कुछ पॉइंट आपको कॉमन रखने होते हैं। जैसे ज़्यादातर ड्रग्स में क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे आप उसको स्टोर करते हैं, अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन करना है, अवे फ्रॉम द पेट्स करना है, और मॉइस्चर डायरेक्ट सनलाइट हीट से आप इनको दूर करना है। ये सब बातें क्या होती हैं, स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन के अंदर कॉमन आती हैं ज़्यादातर। कैप्सूल सॉल्यूशन फॉर्म में आएगा, पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है इसका, ओनमेल और स्पेरोनेक, ये वाला। ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा जैसे ही टाइम मिलता रहेगा। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।